नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले सीरीज नेगेटिव क्लिपर के बारे में। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हमारा फंक्शन करेगा, क्या होता है सीरीज नेगेटिव क्लिपर, कैसे सिग्नल को क्लिप करेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि सीरीज नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, एज द नेम ड्राइव्स, पहले से नाम से पता लगा लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सीरीज नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर का क्या मतलब है, नेगेटिव पोर्शन को क्लिप करेगा। हमारा एक इनपुट एसी सिग्नल है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप करेगा, नाम से पता चल रहा है। सीरीज का क्या मतलब है, जो हमारा डायोड है वो सीरीज में कनेक्ट है विद लोड रजिस्टर, लोड रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट है इन द सर्किट, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीरीज नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन सीरीज नेगेटिव क्लिपर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल इज रिमूव्ड एट द आउटपुट, द सर्किट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीरीज नेगेटिव क्लिपर इज शोन इन द फिगर। तो सिंपल सी बात इसने बोल दिया है कि सीरीज नेगेटिव क्लिपर का ये जो सर्किट है ये क्या करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल है जो हमारी एसी सिग्नल की, एसी इनपुट सिग्नल की, ये जो है इनपुट वोल्टेज, एसी इनपुट वोल्टेज, एसी इनपुट सिग्नल बोल सकते हैं आप, उसकी क्या करेगा, नेगेटिव जो वो है साइकिल है उसको क्या कर देगा, क्लिप कर देगा नेगेटिव हाफ साइकिल को। यहाँ पर देखिए, नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देगा सीरीज नेगेटिव क्लिपर। अब वो देखते हैं कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा। इफ द डायोड इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द एरो हेड ऑफ द डायोड पॉइंट टुवर्ड्स द आउटपुट, द डायोड इज इन सीरीज विद द आउटपुट लोड रेजिस्टेंस। देखिए, तो इन्होंने क्या बात बोली, अगर डायोड को हम इस तरीके से अरेंज करें, इस तरीके से लगाएं सर्किट में कि उसका जो एरो हेड है, एरो हेड ये वाला जो हिस्सा है तीर की तरह जो निशान है, ठीक है, ये किस दिशा में हो, पॉइंट टुवर्ड्स आउटपुट, आउटपुट की दिशा में हो, ठीक है, आउटपुट की दिशा में, एंड डायोड इज इन सीरीज विद आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, और डायोड क्या हो, सीरीज में हो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस की, ये आरएल है जो लोड रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है, ठीक है। देन द क्लिपर इज सेट टू बी इन सीरीज नेगेटिव क्लिपर, तभी हम क्या बोलेंगे उस क्लिपर को कि वो क्या है, सीरीज नेगेटिव क्लिपर है। अब इसकी फंक्शनिंग देखते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। सबसे पहले एक बार और पॉइंट्स देख लेते हैं, दो पॉइंट्स हो रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इन अ सीरीज नेगेटिव क्लिपर द डायोड इज कनेक्टेड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो इसने क्या बात बोली है, जो सीरीज नेगेटिव क्लिपर है उसमें जो डायोड का कनेक्शन होता है वो अपोजिट होता है दैट ऑफ सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उसमें जो डायोड की डायरेक्शन होती है कुछ इस प्रकार से होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से डायोड की डायरेक्शन होती है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में, और जो हमारा सीरीज नेगेटिव क्लिपर जो अभी हम देख रहे हैं उसमें डायोड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से, ये हमारा सीरीज नेगेटिव क्लिपर है, ठीक है, ये सीरीज पॉजिटिव क्लिपर की डायरेक्शन थी। तो इसने यही बात बोली है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो हमारी सीरीज नेगेटिव क्लिपर है उसमें डायोड की जो कनेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है, अपोजिट टू दैट ऑफ सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो जो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में हमारे कनेक्शन थे उससे अपोजिट कनेक्शन है डायरेक्शन में, ठीक है, दिशा में। द वर्टिकल लाइन इन द डायोड सिंबल रिप्रेजेंट्स द कैथोड एन साइड एंड अपोजिट साइड रिप्रेजेंट्स द एनोड पी साइड। तो जो हमारा डायोड है उसमें जो वर्टिकल साइड किसको बोल रही है, इसको, यहाँ पे डंडा सा देख रहे हैं ना आपको, ये इसको क्या बोल रहा है, वर्टिकल साइड, इसको क्या बोल रहा है वो, कैथोड, क्योंकि ये हमारा सिरा क्या होता है, कैथोड, और ये वाला सिरा होता है एनोड, हम जानते हैं जैसे हमारा डायोड होता है, ठीक है, ये क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसको एनोड बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल जिसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है, तो ये डंडा इसी तरफ है ना, तो इसको कैथोड बोल रहा है, बस ये एक लिखने का तरीका है, ठीक है, जो इसने बताया यहाँ पर, कैसे आप लिख सकते हो इसमें आंसर को अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सीरीज नेगेटिव क्लिपर, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। हम जानते हैं कि हमारा जो एसी इनपुट सिग्नल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर देखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, क्या फंक्शन रहेगी हमारी सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो सबसे पहले तो जो हमारा एसी इनपुट सिग्नल वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हमारा ये क्या, हमारी इनपुट वेव फॉर्म है जो कि सिनोसोइडल एसी वेव फॉर्म है, ठीक है, इसमें हमारे दो पार्ट्स हैं जो कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ये वी मैक्स जो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैक्सिमम वोल्टेज है, ये वी मैक्स नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है, तो ये तो हमारा इनपुट वेव फॉर्म हो गया। अभी इस सर्किट में किस प्रकार से काम करेगा वो हम देखेंगे ड्यूरिंग
पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब हम देख रहे हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से करेगा हमारा काम। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज पॉजिटिव एंड टर्मिनल बी इज नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान टर्मिनल ए पॉजिटिव रहेगा, टर्मिनल बी नेगेटिव रहेगा। दैट मींस द पॉजिटिव टर्मिनल ए इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल बी इज कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ डायोड। डायोड की पी साइड कौन सी होती है? पॉजिटिव वाली। एन साइड कौन सी होती है? नेगेटिव वाली। पी साइड को हम एनोड भी बोलते हैं और एन साइड को हम कैथोड भी बोलते हैं। पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव। तो ये इसने बताया किस प्रकार से कनेक्शन होगा हमारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। As we already know that if the positive terminal is connected to P side and negative terminal is connected to N side, diode is said to be forward bias. तो अगर आपने डायोड्स की वीडियो नहीं देखी है, मैंने बना रखे हैं, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से डायोड फंक्शनिंग करता है, कैसे फॉरवर्ड बायस करता है, कैसे रिवर्स बायस करता है, कब कंडक्ट करता है, कब कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अभी इसने बोला है कि जो हमने कनेक्शन किया अभी देखा पीछे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड अगर वो वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से कनेक्ट है और जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है जो एन साइड वो वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो डायोड को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, ठीक है। देयरफॉर द डायोड डी, डायोड को डी से डिनोट कर रहे हैं, इज फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस डायोड, ठीक है। देखते हैं यहां पर हम नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें। ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। तो जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है हमारी डायोड की, उसमें क्या होता है? हमारा करंट फ्लो करता है, कंडक्ट करता है हमारा डायोड। सो द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अलाउड एट द आउटपुट। तो इसीलिए जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो आउटपुट पे अलाउड कर दी गई है, अलाउड कर दी जाएगी, उसको परमिशन दे दी जाएगी कि आप जा सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स अपीयर्स एट द आउटपुट। तो इसीलिए जो सीरीज है पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को हमें आउटपुट पे देखने को मिलेगी। उसको देखते किस प्रकार से है हमारा ये देखिए यहाँ पर डायोड का पी साइड पी से पॉजिटिव से कनेक्ट है वोल्टेज सोर्स के, जो कि इनपुट वोल्टेज सोर्स हमारा एसी इनपुट वोल्टेज सोर्स ये, ठीक है। और एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट है। इस दौरान क्या होगा हमारा डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो जाएगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तो ये कंडक्ट करता है, करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, करंट इसके थ्रू फ्लो होगा तो हमें जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी जो कि है वी आउटपुट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी क्योंकि डायोड कंडक्ट कर रहा है, डायोड इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है लोड रेजिस्टेंस के साथ, जो करंट इसमें फ्लो होगा आउटपुट में वोल्टेज हमें इसके अक्रॉस मिल जाएगी, जो कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिल जाएगी। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिलेगी, तो सीरीज का क्या मतलब है? एक से ज्यादा हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं, तो एक और यहाँ पर एक दो, तो ये सीरीज हो गई हमारी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हमें आउटपुट पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा आगे क्या कहता है। यहाँ पर हो गया हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस रहेगा और हमें आउटपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। अब देखते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है। सेम सर्किट है हमारा एज इट इज, अब बात कर रहे हैं बस ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगी इस दौरान हमारा सर्किट किस प्रकार से वर्क करेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज नेगेटिव, टर्मिनल ए नेगेटिव रहेगा क्योंकि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल बी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स द नेगेटिव टर्मिनल ए इज कनेक्टेड टू पी साइड, इसका मतलब क्या? नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड डायोड की, और एन साइड से कौन सा कनेक्ट है? एंड द पॉजिटिव टर्मिनल बी इज कनेक्टेड टू द एन साइड, पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट है, ये एन साइड से कनेक्ट है और ये पी से माइनस कनेक्ट है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा। एज वी ऑलरेडी नो दैट इफ द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस। ये हम जानते हैं कि अगर डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और डायोड का नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। Therefore, the diode is reverse biased during the negative half cycle. तो during negative half cycle हमारा diode reverse biased हो जाएगा। और reverse biased में diode क्या functioning करता है, क्या behave करता है, वही हम देखते हैं यहाँ पर। During reverse biased condition, no current flows through the diode. तो diode के through कोई current flow नहीं होगा। During reverse biased condition में diode work नहीं करता, conduct नहीं करता है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। So the negative half cycle is completely blocked और removed at the output. तो इस दौरान इस प्रकार क्या होगा, हमारा जो negative half cycle होगा completely उसको block कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा आगे बढ़ने से और आउटपुट पे रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ सीरीज ऑफ नेगेटिव साइकिल्स आर रिमूव्ड एट द आउटपुट, सीरीज नेगेटिव हाफ साइकिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट है और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, तो डायोड क्या हो जाएगा हमारा, इस दौरान डायोड क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं होगा, लोड रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये करंट को आगे जाने नहीं देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें आगे वोल्टेज भी नहीं मिलेगी आउटपुट पे। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमें क्या आउटपुट पे, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको देख रहा है कुछ भी नहीं है हमें नेगेटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट वेव फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो सीरीज ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल है ये क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी, कट जाएगी हाफ आउटपुट वेव फॉर्म से। तो यहाँ पर हमें क्या है, जो सीरीज ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्लिप होकर मिलेगी आउटपुट वेव फॉर्म में, इसीलिए इसका क्या नाम है, सीरीज नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर मतलब क्या है, नेगेटिव पोर्शन को क्लिप करेगा और सीरीज जो हमारी नेगेटिव साइकिल्स हैं उसकी सीरीज को क्लिप कर देगा, ठीक है। और डायोड भी हमारा क्या है, सीरीज में कनेक्ट है इसमें, ठीक है, सर्किट में विद लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी यही बात बोली गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डज द सीरीज नेगेटिव क्लिपर रिमूव द सीरीज ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल्स। तो जो सीरीज ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल्स है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। सीरीज का क्या मतलब है, एक चेन सी है ना, ये लाइक चेन, चेन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल्स, एक एक नेगेटिव हाफ साइकिल दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल, इस प्रकार से इसको सीरीज बोल रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया आउटपुट से। तो ये वर्किंग थी हमारी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सीरीज नेगेटिव क्लिपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं करा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।